नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये खतरनाक भेड़िए हैं। ये ऐसे भेड़िए हैं जो सैकड़ों की भीड़ में भी महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, युवतियों की असमत से खेलने की कोशिश करते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, ये तो पुलिस को भी बंधक बना लेते हैं, पुलिस पर कातिलाना हमला करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिकरू कांड हुआ था, जहां कई पुलिस वालों की हत्या हुई थी। बात वहीं पे नहीं रुकी, इकबाल खाकी के इकबाल पर कासगंज में हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी वहां मारा गया। लेकिन चंद दिन भी नहीं गुजरे कि शाहजहानपुर के थाना कलान में क्षेत्र में कलान कस्बे में ही, जब दुर्गा जागरण हो रहा था, तब महिलाओं के साथ इन दरिंदों ने छेड़खानी की, युवतियों को छेड़ना शुरू किया। लोगों के एतराज़ करने पर ये मारपीट पर आमादा हो गए। मौके पर जब पुलिस पहुंची, तो पुलिस पर भी इन्होंने हमला कर दिया और पुलिस को खींच कर एक मकान में ले गए, जहां बंधक बना लिया। एक दरोगा तक कई पुलिसकर्मियों के साथ में कातिलाना हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बंधक पुलिसकर्मियों को बचाया। ये मामला कलान कस्बे के कश्मीर की पाइपलाइन कॉलोनी का है, जहां रामकुमार गुप्ता नामक व्यक्ति दुर्गा जागरण का आयोजन करा रहा था। और उसी दुर्गा जागरण के आयोजन में ये दरिंदे पहुंच गए और इन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। गुप्ता जी, ये बताइए, जो रात में जागरण हुआ, इसमें क्या कुछ घटना घटित हुई थी? इनका अंदर झगड़ा हुआ, हम अपने जनरेटर के पास बैठे जी। फिर क्या हुआ? लोगों की पुलिस आई, ईट पत्थर बाजी हुई पहले। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को हत्ता पाई भाई, पुलिस की उंगली थी, लोग पुलिस वालों को मारा। पुलिस सुनने में आ रहा है पुलिस टीम पर भी इन लोगों ने हमला किया जी। हाँ, मारा तोड़ा है। हाँ, पुलिस टीम पर हमला किया। अच्छा, तो उसमें कितने कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, कुछ जानकारी है? क्योंकि उस समय जब लाठीचार्ज हो गया था, जब इन लोगों ने मारतोड़ की पुलिस वालों के साथ, फिर लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा। हाँ, फिर मुझे ये नहीं पता, मान लो जागरण में थे, इधर उधर भी पब्लिक जा रही थी। जागरण आपके यहाँ बंद करवा दिया गया था? फिर जागरण बंद करा दिया गया था तुरंत। अच्छा, तो आपकी तरफ से पुलिस में कोई सूचना दी गई, कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया? वो सब पिताजी काम कर रहे हैं। अच्छा, पिताजी। अच्छा, फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ अपने पुलिस कर्मियों को इन भेड़ियों के चंगुल से छुड़ा तो ज़रूर लिया है, लेकिन बार बार पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमले प्रदेश की कानून व्यवस्था और खाकी के इकबाल पर प्रश्नचिन्ह जरूर लगा रहा है। जब रक्षकहीन भेड़ियों के शिकार हो जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी यह तो स्वीकार करते हैं कि पुलिस पर इन भेड़ियों ने हमला किया था, किंतु बंधक बनाए जाने की बात से वे सहमत नहीं होते हैं। फिलहाल भेड़ियों की शक्ल में इन 5 गुंडों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। पुलिस दबिश देने की थी, किस तरह घटना हुई है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? एक कलान कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था, उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर तो चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अवैध व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलान पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है, उनके सबके सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। क्या पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया गया था? जब वो वहाँ पहुँच गए थे जागरण के दौरान, जब वहाँ पहुँच गए तो भीड़ भाड़ थी, उसी दौरान उनके साथ वहाँ पर तो एक पक्ष था जो हमला। रिसेंटली न्यूज समाचार से आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ में
इसी प्रकार निष्पक्ष निर्भीक समाचार देखते रहिए। यदि कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, उसके आवाज दबा दी गई है, तो आइए हमें बताइए, हम उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, उसके बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे।